मास्क का सबसे बेसिक यूज जो होता है वो टारगेटेड एडजस्टमेंट्स करने के लिए होता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी इमेज के किसी खास पोर्शन में हम कोई इफ़ेक्ट या एडजस्टमेंट अप्लाई करें बाकी की इमेज को बिना अफेक्ट किए। लेयर मास्क के कंटेक्स्ट में ये जो ब्लैक और वाइट कलर होता है, तो ब्लैक कलर जो होता है वो एडजस्टमेंट को शो नहीं होने देता, मतलब ब्लॉक कर देता है, और वाइट कलर जो होता है वो एडजस्टमेंट को शो करता है यानी रिवील करता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इमेज के किसी खास एरिया में अपने एडजस्टमेंट को टारगेटेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कोई भी एक इमेज ओपन कर लेते हैं, जैसे ये इमेज मैंने ओपन कर रखी है। इस इमेज में हम टारगेटेड एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो लेयर पैनल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो लेयर पैनल के बॉटम में ब्लैक और वाइट कलर का एक सर्कल बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। और एग्जांपल के लिए हम इसमें ये लेवल्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके एक लेवल्स का एडजस्टमेंट लेयर बनाते हैं। एडजस्टमेंट लेयर बनाने के बाद में ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर से फिल रहता है। वाइट कलर से फिल है तो मतलब जो भी हम इस पे एडजस्टमेंट करेंगे ये पूरी की पूरी इमेज पे अप्लाई होगा। जैसे हम इस इमेज की लेवल्स को इस प्रकार से डार्क या लाइट करते हैं तो ये पूरी की पूरी इमेज को ही इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमें पूरी इमेज को अफेक्ट नहीं करना है, हमें इस इमेज के किसी खास पोर्शन पे ही, एग्जांपल के लिए हमें इस इमेज के ये जो लेफ्ट पोर्शन है इसमें एक शेडो इफेक्ट देना है, मतलब इसको थोड़ा डार्क रखना है, और ये जो राइट पार्ट है इसको हम जिस प्रकार से इस इमेज में नॉर्मल तरीके से ये शो हो रही है उसी प्रकार से शो रखना है। तो हमारे सामने दो ऑप्शन है, या तो हम ये जो वाइट कलर से फिल एडजस्टमेंट लेयर दिखाई दे रहा है इसको हम ब्लैक कलर से ब्लैक कलर की ब्रश से राइट पोर्शन में पेंट कर दे ताकि ये जो इफ़ेक्ट है इस एरिया में अप्लाई ना हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है ये जो एडजस्टमेंट लेयर है इसको हम ब्लैक कलर से फिल करके जिस एरिया पे हम ये जो लेवल्स का एडजस्टमेंट है ये शो करना चाहते हैं उस एरिया को पेंट करके रिवील करें। तो दूसरा ऑप्शन मेरे को बेटर लग रहा है। तो हम ये जो एडजस्टमेंट लेयर है इसको ब्लैक कलर से फिल करते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे ये जो लेवल्स मास्क के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे इन्वर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके भी ब्लैक से फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाके फिल कलर में जाके ब्लैक कलर से भी फिल कर सकते हैं। तो ब्लैक से फिल करने के बाद में हमने जो भी लेवल्स का ये जो इफ़ेक्ट अप्लाई किया था ये इफ़ेक्ट इस इमेज पे अब शो नहीं हो रहा, मतलब ब्लैक ने सारे इफ़ेक्ट को ब्लॉक कर दिया है। अब हम इस इमेज के लेफ्ट पार्ट को वाइट कलर से पेंट करेंगे ताकि ये जो लेवल्स का एडजस्टमेंट है वो इस पोर्शन में शो हो सके। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो डी बटन प्रेस करते हैं ताकि ये जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए जो कि ब्लैक एंड वाइट है। इसके बाद हम ब्रश टूल को सेलेक्ट करते हैं और ब्रश टूल में यहाँ पे एक सॉफ्ट ब्रश को चूज करते हैं और यहाँ पे इस ब्रश की साइज को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हम ये इस साइज के ले लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे आपको ब्रश अप्लाई करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि ब्लेंड मोड है वो नॉर्मल पे सेट रहे और ओपेसिटी इसकी 100% पे सेट रहे। अब हम इस इमेज के लेफ्ट पार्ट पे ब्रश से इस प्रकार से पेंट करना शुरू कर देते हैं। आप ब्रश की साइज को किसी भी वक्त कम या ज़्यादा कीबोर्ड के लेफ्ट और राइट ब्रैकेट कीज से कर सकते हैं, और अगर गलत पेंट हो गया है तो आप यहाँ पे कलर्स को स्विच करके इस प्रकार से
इरेज भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो ये जो लेवल्स है इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो लेवल्स है इसको यहाँ पे कम या ज़्यादा डार्क इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ब्रश टूल से पेंट करके इमेज को पूरी अफेक्ट ना करते हुए किसी खास पोर्शन में ही कोई इफेक्ट या एडजस्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। एडजस्टमेंट को या इफेक्ट को रिवील करने के लिए आपको वाइट कलर से पेंट करना है और ब्लॉक करने के लिए आपको ब्लैक कलर से पेंट करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।